नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मारवेंद्र और अभी हमें सीपीजे कॉलेज में जहां चल रहा है प्लेसमेंट, और हमारे साथ हैं प्लेसमेंट ट्रेनिंग देने वाले, जी हां, कमल बत्रा जी, और स्टूडेंट भी हैं जिनका इंटरव्यू हुआ। आई दोनों जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने सिखाया और बच्चों को कितना कुछ फ़ायदा हुआ। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। से प्लेसमेंट्स हो रहा है, बच्चे में काफ़ी उत्साह है। सर, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे सीपीजे, आई एम कमल बत्रा दिस साइड, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिस कॉलेज इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। एंड हमारे कॉलेज में क्या होता है कि हर साल प्लेसमेंट्स करवाई जाती हैं। एंड हमारे यहाँ पे जो कंपनियाँ आई हुई हैं, कुछ मार्केटिंग की कंपनी हैं, कुछ आईटी की कंपनी हैं, बैंकिंग की हैं, इंश्योरेंस की हैं, तो उससे रिलेटेड कंपनीज आई हुई हैं और इसमें बच्चों के इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे हैं। कैसा परफॉर्मेंस है बच्चों का, बताएं आपसे एचआर से बात? नहीं, स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, बच्चे इंटरव्यू देने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, स्पेशली बीबीए कोर्स के, बीबीए कैम के, बीबीए जर्नल के, बीकॉम ऑनर्स के हैं और बीसीए के स्टूडेंट हैं। और साइमल्टेनियसली हमने फोर्थ सेमेस्टर वालों को भी बुलाया हुआ है। फोर्थ सेमेस्टर के जो बच्चे हैं वो समर ट्रेनिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं। प्लेसमेंट में क्या बच्चों को खास तौर पर सिखाया आपने, किस बात का ध्यान रखा? सर, हमने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करी है कि इंटरव्यूज़ में बेसिक एटिकेट्स क्या होते हैं, इंटरव्यूज़ के स्किल्स, इंटरव्यू देने से पहले कैसे एंटर करना है, किस तरीके से सीवी रिप्रेजेंटेशन करना है, सीवी प्रेजेंट कैसे करोगे, एंड उनके बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं, ये चीज़ें, और प्लस टेक्निकल स्किल्स भी जिस फील्ड से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन बच्चे का इंटरव्यू चल रहा होगा, कुछ बच्चे आ रहे होंगे आपसे पूछने के? सर, स्टूडेंट डेफिनेटली आते रहते हैं, पूछते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू दिया, क्या नाम है? सर, माय नेम इज़ अक्षित नैयर फ्रॉम बीबीए कैंप, सिक्स सेमेस्टर। अच्छा, तो आपने इंटरव्यू दिया? हाँ जी सर। सर, सही रहा, अच्छा रहा। क्या कुछ सिखाया था उसमें से, कुछ क्वेश्चन लड़े, कुछ ऐसा लगा? हाँ जी सर। हाँ जी सर, सर ने पहले ही कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हमें बताए हुए थे, तो वो उन्होंने बता, मतलब वैसे से ही उन्होंने पूछा था। एंड उन्होंने कहा था कि अपने सीवी को स्ट्रॉन्ग रख, मतलब जो आपका सीवी है उसके बारे में आप जानना, तो वैसे ही उन्होंने पूछा, अपने हमारे सीवी के बारे में ही पूछा गया कि क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है। कौन कौन सी कंपनी में आपने इंटरव्यू? सर, टेक महिंद्रा एंड विज्ञानत्रम। अच्छा, विज्ञानत्रम, यानी कि आप एजुकेशन में भी दिए और सॉफ्टवेयर में भी, आगे भी और किसी कंपनी में देना है? हाँ जी सर। किस कंपनी? सर, रिसर्च में देना है अभी। हाँ जी, बार बार लगातार देना है। और सब नहीं लग रहा आपको, आत्मविश्वास नहीं हुआ कि दूसरे में हो जाएंगे आपके? सर, ट्राई करने में बुरा नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो ये अभी हम सीपीजे कॉलेज में हैं जहाँ प्लेसमेंट चल रहा है और जहाँ पर शिक्षक और ट्रेनिंग देने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ गगन जी भी हैं। गगन जी, चल रहा है लगातार, बच्चे में काफ़ी उत्साह दिख रहा है? सर, बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह दिख रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और एक साथ 8-9-10-12 कंपनी उसमें अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, और एक जगह सारी कंपनी सारी है, तो उनके लिए सबसे फ़ायदेमंद वाली ये चीज़ है, उनको भटकना नहीं पड़ रहा, उनको कैंपस के अंदर ही प्लेसमेंट मिल रही है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और डिफरेंट प्रोफाइल के लिए मिल रही है। डिफरेंट, वही हम जानना चाह रहे थे कि जहाँ पर एजुकेशन के खास तौर पर सर्विस होल्डर हैं, वहीं सॉफ्टवेयर और कस्टमर्स के? देखो, हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो बीबीए, बीसीए, बीबीए कैम, बीकॉम ऑनर्स, तो इन सब में भी बच्चे की अलग, हर किसी की अलग अलग प्रोफाइल है। अगर जो बीसीए वाला है और जो बीबीए कैम वाला है, उसमें कुछ बच्चे आईटी प्रोफाइल के भी हैं, कुछ नॉन आईटी में भी जाना चाहते हैं, और कुछ कईयों की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं होती तो वो डिज़ाइनिंग, दूसरी डिजिटल मार्केटिंग, इसमें जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ये, जब ही हमने डिफरेंट कंपनीज बुलाई हैं और डिफरेंट प्रोफाइल की बुलाई है, कि ताकि जिस का बच्चे में इंटरेस्ट हो और वहाँ पर जाके वो इंटरव्यू दे सके। बच्चे का परफॉर्मेंस भी आपके पास आ रहा होगा, कैसा? अभी तो फर्स्ट राउंड मैक्सिमम सबके हो गए हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, और होपफुली मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा बच्चे प्लेस हो, वही मैं कामना करता हूँ। चलिए, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारे साथ गगन थे, कमल बत्रा थे, स्टूडेंट भी थे, जो खास तो बता रहे थे कि यहाँ पर प्लेसमेंट चल रहा है और बच्चों में काफ़ी उत्साह है, और यही सीपीजी की क्वालिटी है कि जिस प्रकार से वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं, उसी से उनके परफॉर्मेंस भी लगातार अच्छे हो रहे हैं। हेमेंद्र के साथ मानविंद, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।